इंदौर जिले के देपालपुर के सरकारी हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने से सोनोग्राफी मशीन बंद होने से 120 गांवों की हजारों गर्भवती महिलाएं परेशान हो रही थी। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री और समाज सेवी चिंटू वर्मा ने क्षेत्र की जनता के लिए आवाज़ उठाई थी। आखिरकार वर्मा की मांग पर प्रशासन ने मात्र 8 दिनों में सोनोग्राफी मशीन पहुँचा दी। अब मंगलवार और शुक्रवार को सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा शुरू हो जाएगी। देपालपुर क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एकमात्र सरकारी अस्पताल है, जहां पर गौतमपुरा, बेटमा, देपालपुर, शहीद हतोल तहसील के करीब 10 से ज़्यादा गांव की महिलाओं की सोनोग्राफी होती है, लेकिन पिछले 6 माह से अधिक होने को आए यहां सोनोग्राफी मशीन बंद पड़ी थी, जिसके कारण क्षेत्र में हजारों गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सोनोग्राफी मशीन को लेकर कई बार क्षेत्रीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया था। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री और समाज सेवी चिंटू वर्मा ने एक बार फिर क्षेत्र की जनता के लिए आवाज़ उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और संभाग प्रभारी तुलसीराम सिलावट और CMHO प्रवीण जड़िया से चर्चा कर जल्द से जल्द देपालपुर में सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन शुरू करवाने की मांग करते हुए उन्होंने अपनी ओर से पत्र भी जारी किया था। आखिरकार वर्मा की मांग पर प्रशासन ने मात्र 8 दिनों में सोनोग्राफी मशीन पहुंचा दी और अब मंगलवार और शुक्रवार को सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा शुरू की जाएगी। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। प्रोसेस में था, क्योंकि थी फाइल प्रोसेस में थी, मशीन भी प्रोसेस में थी, इसके साथ साथ जो सपोर्ट मिला जनप्रतिनिधि और बाकी लोगों का, उससे काम में गति आई और ये तत्काल। आप उम्मीद करें कि हफ्ते में 2 दिन सोनोग्राफी चालू हो जाएगी या रोज होगी? हफ्ते में 2 दिन सोनोग्राफी हो पाएगी, मंगलवार शुक्रवार। सबसे अत्यंत आवश्यकता स्वास्थ्य विभाग में जो थी वो थी सोनोग्राफी। गर्भवती महिलाएं और खासकर गरीब महिलाओं को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय इंदौर के संभागीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद जी, पूर्व विधायक मनोज पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से ऊपर तक हमने शीर्ष तक इस विषय को पहुंचाया था। और प्रशासनिक स्तर पर भी माननीय कलेक्टर साहब, CMHO श्री जड़िया जी और BMO मैडम पंचली मैडम के माध्यम से हमने प्रयास किया और आज कहते हुए बड़ी खुशी है कि सोनोग्राफी मशीन यहाँ पर सुधर कर आ गई है और अतिशीघ्र यहाँ पर सोनोग्राफी प्रारंभ किया। आपका नाम? चिंटू वर्मा, भाजपा जिला महामंत्री। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।